भी समाज सेवक हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से वंचित समुदाय को हक हिस्सा दिलाने वाले सभी साथियों को मैं निर्मल इंडिया शोषित हमारा आमदल के तरफ से अपनी तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और सभी लोगों को जय निषाद राज के साथ। मैं अभी सभी अपने महापुरुषों जैसे निषाद राज हों, हेडा कश्यप हों, वीर क्लब हों, मच्छिन्द्रनाथ हों, ढेर सारे राजा महाराजा हमारे रासमली रही हैं, दुर्गावती रही हैं, बिलासी के उठी रही हैं, हमारे ढेर सारे जो उनका इतिहास रहा है इतिहास को कायम करने के लिए ढेर सारे हमारे बीच में जन्मे जो गौरवशाली फुलंद देवी माननीय जमुना निषाद, महेंद्र सिंह राजपूत, धनी राम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जैसे, जयपाल कश्यप, जोरी बीन जैसे लोग, ढेर सारे जो हमारे राजनीतिक लोगों ने अपने संघर्षों के रास्ते से हम लोगों को जो झंडा दिया, उनको एक उम्मीद था कि उन लोगों ने अपने आत्मकथा में अपने भाषणों में कोट किया था, हे मेरे साथियों, मेरे झंडे को थाम लेना, किसी भी परिस्थिति में इसे नीचे और पीछे मत आने देना। उनके झंडे को निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल थाम लिया है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल का मानना है कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसके समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं होता, वो निर्बल होते हैं। और निर्बल किसे कहते हैं? जिनके पास आर्थिक सत्ता न हो, आर्थिक स्रोत न हो, न्याय की उम्मीद न हो, शैक्षिक व्यवस्था न हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था न हो, रोजगार की व्यवस्था न हो, ऐसे और उन निर्बलों के लिए कैसे सबल होंगे जब तक हम उन्हें कोई व्यवस्था नहीं देंगे। पहले राजा नीत बनाते थे, इसे राजनीति कहते हैं। पहले राजा नीत बनाते थे, प्रजा सुखी रहती थी। और इलाहाबाद श्रृंगेरपुर का किला कहता है कि आज से 2000 वर्ष पहले जब उनका राज था, आज अब राम अयोध्या से बाहर गए, उनके कष्ट को उन्होंने दूर किया था। और अमरचंद शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की एक बुक लिखी है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे BHU के, और अभी वो नालंदा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। उन्होंने जो जस्टिस ऑफ इंडिया नाम की एक किताब लिखी है, उस किताब में एविडेंस के साथ लिखा है कि इस भारत की आबादी 2 करोड़ है, और उसमें उस समय इसमें फर्स्ट में भारत की आबादी इस भी फर्स्ट में जनगणना के हिसाब से 75% लोग पढ़े लिखे लोग थे, और 75% पढ़े लिखे लोग थे, और GDP ग्रोथ 33.5 था। इसके मतलब दुनिया में 3 रुपये में 1 रुपये भारत का चलता था। उसे हम कहते हैं कि हम सोने की चिड़िया तब कहा जाता था जब हमारे पास फाइनेंशियल सोर्स था। आज हमारे इस देश में इसे गुरुओं का देश कहा जाता, तब बुद्ध तत्शिला नालंदा विक्रमाशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। जब दुनिया में किसी भी देश में कोई विश्वविद्यालय नहीं था तो दुनिया के लोग विश्व के लोग ज्ञान लेने के लिए आते थे, इसी करने आप उसका नाम विश्वविद्यालय पढ़ा, और यहाँ से ज्ञान लेकर दुनिया में लोगों ने ज्ञान के स्रोत खोला। अब ये अगर गुरुओं का देश रहा, गुरु मतलब अंधेरा, रू मतलब होता उजाला, तो ये उजाला जो है गुरु, ये इस तरीके से अगर हम लोग ये गुरुओं का देश रहा तो आखिर क्या कारण रहा कि हम लोग आज पिछड़े हुए हैं? अगर हम जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, जड़ का इलाज नहीं करेंगे, रोग के कारण का इलाज नहीं करेंगे, तो रोगी तो मरेगा ही, कुछ ऐसे लोगों को रोग बांट के जाएगा कि जिसे रोग पकड़ लेगा वो भी मरेगा। तो राजनीति एक बीमारी है और राजनीति एक दवाई है, दोनों है, किसी का रोग ठीक करता और किसी के लिए बीमार बनाता है। पहले राजा नीति बनाते थे, प्रजा सुखी हुआ करता था, लोकतंत्र की व्यवस्था हुई कि लोगों के द्वारा चुने गए पार्लियामेंट से लोगों को संविधान की व्यवस्था दी गई कि लोग भगवान के चक्कर में पड़े थे इसलिए लोग बीमार थे, भगवान भरोसे रख के राजा बनते थे, लोग ये मानते थे कि राजा भगवान का भेजा हुआ आदमी है, इसलिए ये जो भी कहेगा वो अच्छा करेगा, जो काम करेगा वो अच्छा करेगा, इसलिए राजा पर भगवान के भेजे हुए आदमी के नाते उसे भाग्य विधाता मानते थे। लेकिन विश्व में एक साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, विशेषज्ञों ने, राजनीतिकों ने, समाज सेवकों ने, समाजविदों ने, इतिहासकारों ने और ढेर सारे लोगों ने इस व्यवस्था में आए कि नहीं,
कोई व्यक्ति सभी लोगों को ईश्वर प्रकृति पैदा करता है, कोई न ऊंचा है न नीचा है, सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग बराबर भेजे गए हैं। कोई भगवान के वहां से भगवान राजा बना के नहीं भेजा गया, बल्कि राजा कौन होगा, व्यवस्था का जो शिकार होगा वो गरीब होगा और व्यवस्था का जो फायदा पाएगा वो अमीर हो जाएगा, वो राजा हो जाएगा। तो व्यवस्था किसी को राजा बना देती थी और उसका बेटा भी राजा हो जाता था, व्यवस्था के शिकार के लोग गरीब हुआ करते थे। तो उसमें ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई, संविधान। अब भगवान से नहीं देश चलेगा, भगवान के भरोसे आदमी को नहीं रहना है, संविधान की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को बराबर किया। सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब होता कानून। कुछ ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे लोग बराबर हो जाए, न कोई ऊंच रहेगा न कोई नीच रहेगा, न कोई गरीब रहेगा न कोई अमीर रहेगा, बराबर रहेगा। और जिस तरीके से बुद्ध ने, बुद्ध की संकल्पना थी कि समता ममता स्वतंत्रता रहे, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। और भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बुल में लिखा हुआ है कि समता ममता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व पर आधारित इस भारत के संविधान का निर्माण किया गया, इससे समाज और राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा। अब कानून एक बनाकर लोगों को बराबर किया जाएगा। दलित दलदल में थे क्योंकि भगवान के भरोसे थे, इस दलदल में थे और उनके अंदर एक घर कर गया था कि पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो बहुत खराब हैं, इसलिए हम नीच जात में जन्म ले लिए और पिछले जन्म अच्छे थे इसलिए ऊंची जात में उनका जन्म हो गया। तो वो एक व्यवस्था दी गई, डर पैदा किया गया भय का कि अगर तीनों वर्णों की सेवा करते रहोगे तो अगला जन्म तुम्हारा अपर कास्ट में हो जाएगा। तो बेचारा उस भ्रम में, जाल में, धर्म के जाल में फंस के इन तीनों वर्णों की सेवा करने में 3000 वर्ष बिता दिया। और उसके वजह से क्या हुआ कि वो दलदल में था और जिसकी सेवा करते थे वो माल में रहता था। मैं बधाई दूंगा माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कि संविधान विशेषज्ञ संविधान का निर्माण किया लोगों के टीम के साथ और संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा ने तय किया ये देश में अब भगवान से देश नहीं चलेगा। क्योंकि उसमें लोगों को समय में जब संविधान का नाम लिखने का बात आया किसके नाम से समर्पित रहेगा तो कहा कि ईश्वर के नाम से कोई समर्पित रहेगा, कोई कहा अल्लाह के नाम से रहेगा, कोई कहा भगवान के नाम से होगा। वोटिंग हो गई और वोटिंग हुआ कहा नहीं ये जो संविधान होगा वो किसी ईश्वर को संबोधित नहीं होगा बल्कि ये जो है देश के जनता के नाम से संबोधित होगा। अब भगवान वोटिंग हुई तो भगवान के नाम से वोट जो है वो कम पड़ा बल्कि देश के जनता के नाम से वोट ज्यादा पड़ा। तो संविधान सभा में पहली बार भगवान हार गए और फिर संविधान का चुनाव हुआ, संविधान का निर्माण हुआ तो देश संविधान से चलने लगा। लेकिन फिर भी जनता को संविधान के बारे में न पता होने के नाते एक फिरका परिष्ठ ताकतें हैं जो देश में धर्म के जाल के आड़ में गरीबों को गरीब बनाते हैं और गरीबों को खून चूस कर गरीबों के सारे अधिकारों पर डाका डालते हैं, भगवान के सहारे उन्हें रखते हैं, लूट लेके जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि एक चालाक आदमी अपने भैंस जो दूध देती है भैंस उसे के गले में घंटी बांधता है और गले में घंटी बांधने के नाते वो ये सोच के बांधता है कि चोर उस भैंस को अगर खोल के ले जाएगा रात में तो घंटी जिधर बजेगी गांव के लोगों को उधर लेके जाके चोर को भी पकड़ेंगे अपनी भैंस भी वापस लाएंगे। लेकिन चालाक दो चोर हो जाते हैं तो एक जो है घंटी खोल कर पूरब बजाते हुए जाता है ये प्रदर्शित करने के लिए कि इधर ही भैंस जा रही है, गांव के लोग भ्रमित होकर हमारे पीछे दौड़ के आ जाए। और दूसरा चालाक चोर जो होता है भैंस पश्चिम लेके चला जाता है और तो गांव भर घंटी समझ कर पूरब दौड़ते हैं और कुछ दूरी के बाद दौड़ाने के बाद वो घंटी छोड़ कर चोर भाग जाता है और असली वाला जो चोर है वो भैंस लेकर पश्चिम चला जाता है। तो इस तरीके से है जैसे आज के दिन में इस भारतीय राजनीति में दो बहुत बड़े मोड़ आ गए कि योगी जी घंटी खिला रहे हैं, लोग भगवान के तरफ कहते हैं अयोध्या चलो, हम उधर चलो गंगा मैया के पास चलो, उधर चलो जो है इलाहाबाद कुंभ चलो, बनारस चलो, ये सारा कुछ आज के दिन में धर्म के नाम पर लोगों को बजाए पड़े हुए हैं। और उधर मोदी जी जो है देश का माल जो है लुटवा रहे हैं, कभी नीरज मोदी से, कभी माल्या से, कभी उनके लोग हैं राफेल के मुद्दे पर है, कितने घोटाले हैं, सीबीआई के घर में खुद ही सीबीआई छापा डाले, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। सीबीआई का आदमी को ट्रांसफर किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट रोकती है, उसके बाद उसे वो इस्तीफा दे देता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। बिना नौकरी में बिना 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 इम्तहान दिए लोगों को नौकरी
घर पे पहुंचा दिया जाए प्रमाण पत्र, उनका नौकरी का नियुक्ति पत्र। और नियुक्ति पत्र पहुंचाने के बाद क्या होता है कि उसमें जो है कितने बेचारे जो 112 नंबर पाए हैं उन्हें 12 नंबर दे दिया, फेल कर दिया, और जो 12 नंबर पाए थे उनके सामने एक लिख कर 112 नंबर दे के पास कर दिया। ये सारा खेल क्या चल रहा है? तो इस चीज को समझने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक महापुरुष पैदा हुए जिनका नाम माननीय कांशी राम कहा जाता है। कांशी राम ने कहा कि गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है। और अंबेडकर साहब ने इस बात को कहा कि आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का मामला है, और जिस समाज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी इन द सिस्टम, जिस समाज का जितना भाग अगर पार्लियामेंट और विधानसभा में प्रतिनिधि नहीं है उससे उतना भाग रिजर्व कर दिया जाए, और वो इम्प्लीमेंट कराएगा कि जिस विभाग में जितना, जिस समाज का जितना भाग नहीं प्रतिनिधि में है उस समाज के लोग नौकरी, शिक्षा, रोजगार, जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसमें दे दिए जाएंगे। आज के दिन में क्या हो गया? आज के दिन में मोदी जी कहते हैं नहीं, तुम्हें प्रतिनिधित्व तो नहीं देंगे, तुम्हें पार्लियामेंट और विधानसभा में नहीं लाएंगे, जहाँ कानून बनेगा, जहाँ बजट आएगा वहाँ नहीं रखना है, बल्कि तुम इधर उधर घूमते रहो, भटकते रहो। तो आज के दिन में मैं कांशी राम साहब को मैं बधाई धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने दलित समाज से कहा कि भाई जब तक तुम दूसरे दल का झंडा उठाओगे तब तक दलदल में रहोगे, जब तक तुम भगवान भरोसे रहोगे तब तक इसी तरीके से दलदल में मरोगे, और जिस दिन संविधान के भरोसे आ जाओगे उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि संविधान में तुम्हारा अधिकार लिखा हुआ है। और उस संविधान में 66 अनुसूचित जातियों की सूची उत्तर प्रदेश की, सूचित अनु मतलब होता है नीचे, और सूचित मतलब होता है सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा कि आज तक कभी सूचित किया ही नहीं गया। कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, कितना बड़ा विडम्बना है, लोग भाषे पर बैठे हैं कि कभी अनुसूचित क्या होता उसके बारे में कभी सरकार ने कभी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया, आरक्षण क्या होता है इसका प्रोग्राम नहीं चलाया, संविधान सभा में क्या चुना हुआ उसका संविधान नहीं चुना, संविधान में कितने अधिकार होते हैं, संविधान से दरोगा पोस्ट होता है, संविधान से डीएम एसडीएम बनाए जाते हैं, संविधान से देश का बजट पास होता है, संविधान से टैक्स लिए जाते हैं, संविधान के अंदर 6 कानून बनाने का अलग से पावर होता है कि अर्थ नीति बनेगी, किसके पास धन जाएगा, किससे धन लिया जाएगा, वित्त नीति होता है कि किसके पास वित्त से चलते रहेंगे, वित्त विहीन होगा कौन, वित्तयुक्त होगा, फिर जो है कर नीति होता है किसे कर लिए जाएंगे, किसे कर छूट दिए जाएंगे। आज बाबा रामदेव कर मुक्त हैं, आज जनता से कर लिए जाते हैं, आज के दिन में जो ज्यादा कर लेगा वो देश छोड़कर भाग जाएगा, थोड़ा कम लेगा वो जेल जाएगा, जो कर नहीं, जो कर्जा ज्यादा लेगा वो देश छोड़कर भाग जाएगा कर्जा लेकर, जो थोड़ा कम लेगा वो जेल चला जाएगा, और जो कर्जा लेगा ही नहीं वो इन दोनों का कर्जा, कर के माध्यम से इन दोनों का कर्जा भरेगा। ये देश का नियम हो गया है। कर नीति बनाएगा, मुद्रण नीति बनाएगा, 12 बजे नाथ को नोटबंदी कर देंगे, जनता बेकार, आज तक पता ही नहीं चला कि नोटबंदी से क्या फायदे हुए, आखिर नोट छापने में कितना रुपया खर्च हुआ होगा, नोट के इधर लेन देन में कितनी जनता परेशान, ठीक है जनता परेशान हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री को तो बताना चाहिए ना कि नोटबंदी करने से कितने फायदे हुए। उन्होंने कहा था पत्थरबाजी बंद हो जाएगी, आतंकवादी बंद हो जाएंगे, तमाम नक्सलाइट बंद हो जाएंगे, एक भी तो नहीं बंद हुआ। और आज के दिन में RBI कहता नोट बंद करने से ढेर सारा नुकसान हो गया, सारे जितने नोट थे उतने आ गए, कहीं कोई काला नहीं रहा। तो इसके मतलब काला वाले, दिल काले वाले लोगों को कुर्सी पर मिल गई, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा। तो कांशी राम साहब से उस कैडर से एक पता चला कि वित्त नीति, अर्थ नीति और मुद्रण नीति और उद्योग नीति और रोजगार नीति, आज उद्योग धंधे पर एक ही विशेष वर्गों का कब्जा होता जा रहा है। सरकार पैसे दे के उन्हें उद्योगपति बना रही है, बाकी जनता बेचारे बेहाल होती जा रही है। रोजगार देने के लिए 2 करोड़ कहा था, जिनके रोजगार है नोटबंदी के नाते छिन गए बेचारे, GST के नाते छिन गए। आज के दिन में क्या हो रहा, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? सारा माल विदेश से आ रहा है तो यहाँ के तो उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, तो रोजगार कहाँ होगा, कितने रोजगार, संविदा कर्मी बेचारे परेशान है आज के दिन में। और मोदी ने खुद ही कहा था कि हम सारे संविदा कर्मी, बात बार बार इसलिए ला रहा हूँ कि उन्होंने एक उदाहरण है, उन्होंने उस दलदल में रहने वाले लोगों को कहा कि भाई देखो ये तुम्हारा जो गरीबी के कारण तुम खुद ही हो, क्योंकि जो संविधान बना हुआ है उसमें व्यवस्था दी गई है कि जो प्रकृति से जो पैसे आते हैं, जमीन से जो निकलते हैं, और जितने धन आते हैं निकलते हैं अरबों खरबों, सोना चांदी हीरा मोती अदरक कोयला संगमरमर पत्थर बालू मोरंग,
पानी है, बिजली है, 3G है, 2G है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अरबों खरबों में हमेशा निकल रहे हैं, वो सरकार के पास जाएगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सारे गुंडे इन आर्थिक स्रोतों पर कब्जा कर रखे हैं। फिर ये था कि भैया जो उपक्रम है, जो भी प्राइवेट सेक्टर है, चाहे नवरत्न कंपनियां हैं, चाहे ऑर्गेनाइज फैक्ट्रियां हैं, उनसे उनसे पैसे जनरेट किए जाएंगे और जनता के हित के लिए काम किए जाएंगे, उस पर भी इनका कब्जा हो गया। फिर उन्होंने कर लगा दिया कि चलो टैक्स लिया जाए, महंगाई कितनी हो गई बता दें, देखिए इनकम टैक्स भी देंगे, 65 प्रकार का टैक्स भी देंगे, GST देंगे, CST देंगे, इस सारे पैसे कहाँ जाते हैं, सरकार के पास जाते हैं, पास आएगा पैसा विधानसभा में आएगा और फिर यहाँ बजट पास होगा और जनता के हितों की रक्षा के लिए उन्हें रोजगार दिए जाएंगे, स्वास्थ्य दिए जाएंगे, शिक्षा दिए जाएंगे, इस पर खर्च होंगे कि पैसा आएगा और पैसे का पेड़ जनता को दिया जाएगा, पैसा जनता से लिया जाएगा लेकिन उसके बदले उन और नौजवानों को उन रोजगार दिए जाएंगे, मतलब पैसे का पेड़ दिया जाएगा। पैसा तो पैसा है लेकिन पैसे का अगर पेड़ दे दिया जाएगा तो हमेशा फलेगा उसके पास, इसलिए लोकतंत्र की स्थापना ही होती है कि पैसे जनता से ले जाएंगे, जमीन से ले जाएंगे, नेचर से ले जाएंगे और फैक्ट्रियों से पैदा किए जाएंगे और इसके बदले एक सिस्टम बनाकर लोगों को रोजगार के साधन दिए जाएंगे, उद्योग के साधन दिए जाएंगे, जिससे उनके घर में पैसा फले और कभी ये सारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन उल्टा हो गया, आज के दिन में सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर इनके कब्जा हो गए और जनता बेहाल हो गई। तो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान की संरचना है उसमें लिखा हुआ है कि भाई देखो वो लाकर है लोकसभा विधानसभा, लेकिन उसकी चाबी वोट है और वोट जनता के पास रहेगा, जिसे जनता वोट दे देगी वो लाकर खोलेगा और इन्हें वो व्यवस्था देगा, लेकिन और अगर नहीं दे पाएगा तो वो चाबी 5 साल में फेल हो जाएगी और फिर दूसरे को जाना पड़ेगा, फिर चाबी लेके आना पड़ेगा। कौन ऐसा आदमी है कि जो जनता के पैसे को इकट्ठा करे, देश के पैसे को इकट्ठा करे और इसे पैसे के पेड़ के रूप में जनता के नौजवानों को दे दे, जिससे उन्हें फल लगे। जब तक उन्हें पेड़ नहीं मिलेगा, जापान 20 साल बाद आजाद हुआ, वहां देखो व्यवस्था दे दी गई और उन्हें पैसा जनता से लिया गया, नेचुरल रिसोर्सेज लेकर उन्हें पैसे का पेड़ दे दिया गया। चाइना हमसे बाद में तोमान देश ऐसे हमसे बाद में आजाद हुए, लेकिन वहां की व्यवस्था ने, वहां के संविधान ने वहां के नौजवानों को पैसे का रोजगार का साधन दे दिया। आज वो गरीब नहीं है, आज वो समस्या शिक्षा सही है, उनका स्वास्थ्य सही है, उनके उनके रोजगार सही है, सारी व्यवस्था सही है। तो अभी जो बताया हांसी राम साहब ने बताया था कि भाई दलदल में इसलिए हो कि तुम ऐसे आदमी को पंजाब को जिता रहे हो और पंजाब धनी होता जा रहा, तुम लोग गरीब होते जा रहे हो, पंडित जी हर जगह व्यवस्था में ऊपर हो जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो रहे हैं, चाहे कैबिनेट हुआ, चाहे मुख्यमंत्री हुए, सारे लोग उनके हो जा रहे हैं। अगर तुम अपनी चाबी को पंजाब में न डाल के अगर तुम अपनी चाबी को तुम अपनी पार्टी में डाल ले, तो उन्होंने हाथी में डाल, लेकिन हाथी में डालने के बाद सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा भाई देखो गलत हो रहा, तो उस समय कांसी राम और मुलायम सिंह दोनों लोग मिले और मिले मुलायम कांसी राम, हवा मोड़ गए जय श्री राम और ये व्यवस्था कायम हो गई और दोनों लोग चाबी अपना लेन देन करके और दोनों 30 साल से सत्ता में आए और पिछड़ों और दलितों की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हुआ और समानवाद यहाँ से खत्म हुआ और लोगों को एक आशा की किरण आई। लेकिन फिर उसी में हो गया कि अलग अलग इतना अलग हो गए कि फिर वो नौजवान और उत्तर प्रदेश इसी तरीके से, देश इसी तरीके से गर्त में जाने लगा। तो फिर हम लोगों ने अपने इस जो मछुआरे हैं जिन्होंने जिनके ऊपर अंग्रेजों ने व्यवस्था के तहत 1857 में घटना घटित थी जो नदियों में डूबो के अंग्रेजों को मारा था और उसकी बू जब महारानी के पास गई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्टीफन नामक सांसद ने कहा कि वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है और बदमाश का बेटा बदमाश होता है और ये मछुआरे बदमाश जातियाँ हैं, ये जितनी पिछड़ी और पिछड़ी जातियाँ हैं जिनके हम ये सारे लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं ये सब बदमाश जातियाँ हैं, चोर जातियाँ हैं, इनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया और उस क्रिमिनल कास्ट घोषित होने के नाते ये जातियाँ अपने मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से दूर हो गई और बचने के लिए तमाम उपजातियों में तमाम सरनेम से अब छुपने के लिए छुप गए और जेलों से बचने के लिए क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। और ये क्रिमिनल कास्ट कब तक था? 31 अगस्त 1952 को।
देश आजाद हुआ 1947 में, फिर भी 5 साल 16 दिन तक ये जेलों में बंद रहे। ये 1931 में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। एक कम्युनल अवार्ड हुआ, कम्युनल मतलब होता है कम्युनिटी का, उस कम्युनिटी का अवार्ड हुआ जिस समुदाय के लोग की जिन्हें नीचे रखा गया है, जिन्हें धर्म ने नीच घोषित किया है, कानून से उजाड़ा गया है, तो ऐसे सारे लोगों को कम्युनल अवार्ड मिला। जब साउंडिंग कमीशन आया कि चमड़े का काम करने वाले को चमार कहा जाएगा, कपड़े धोने वाले को धोबी कहा जाएगा, मछली नदियों में मछली मारने वाले को मझवार कहा जाएगा, गौड़ कहा जाएगा, तुरैया कहा जाएगा, है धीमर कश्यप कहार को तुरैया कहा जाएगा, ये ढेर सारे उसमें 66 समूह हुआ, तेली बढ़े लोहार कहार को जो है वो शिल्पकार कहा जाएगा, तो ये उसमें 66 समूह आए और 66 समूहों को अनुसूचित जात का अनुमतलब नीचे और सूचित मतलब किया जाएगा। तुम सूचित किया जाएगा कि भाई देखो तुम्हारे लिए पढ़ने की आदत छूट गई है, आर्यों ने उजाड़ा, मुगलों ने उजाड़ा और अंग्रेजों ने भी कानून बना के उजाड़ दिया है, इसलिए तुम्हारे अंदर पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारा बेटा नहीं पढ़ पाएगा, चूँकि कमजोर पेड़ में कमजोर फल आते हैं, अगर बाप सांवला है तो बेटे भी सांवले हो जाते हैं, तो अगर बाप नहीं पढ़ने की आदत है तो बेटे में पढ़ने की आदत नहीं आएगी, इसलिए उनकी सीट रिजर्व कर दो और उनके लिए कम पढ़ा हो तो भी उन्हें नौकरी दे दो, उनके पास पढ़ने की धीरे धीरे जब वो आ जाएगा पढ़ने की सारी व्यवस्था आएगी, तो आरक्षण की व्यवस्था की दिया गया और ऐसा कहा गया कि ये नीचे रहने वालों को सूचित किया जाए कि नहीं तुम मुख्यधारा में इस आरक्षण की बदौलत तुम जा सकते हो, और ये व्यवस्था दी गई। और सबसे पहले 1926 में 2 सीटें रिजर्व हुई, एक महाराष्ट्र की और एक प्रोविंस यूनाइटेड प्रोविंस। यूपी का पुराना नाम अंग्रेजों के नाम का, इसका नाम है उत्तर प्रदेश नहीं है, इसका नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। अवध प्रांत और आगरा दोनों को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, तो ये दोनों प्रांत को रिजर्व किया गया, यूनाइटेड प्रोविंस को रिजर्व किया गया और महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से अम्बेडकर साहब को MLC बनाया गया और यूनाइटेड प्रोविंस को एडवोकेट निषाद रामचरण निषाद को बनाया गया, दोनों वकील को 2 जगह रिजर्वेशन के कोटे से मिला। तो जब 1926 में मछुआत समुदाय को अनुसूचित जात का MLC घोषित कर दिया यूनाइटेड प्रोविंस में, तो अब मछुआरों को तो ये साबित हो गया कि शुरू से ही ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, इन्हें अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र और हक मिलना चाहिए, लेकिन वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो लगा हुआ था उसके वजह से ये जो जनता थी अंग्रेजों से डर के मारे दूर रहती थी, उसे DM और SP जो है लेवल के लोग प्रमाण पत्र जारी करते थे, तो जिसके ऊपर FIR दर्ज हो कैसे जाएगा लेने के लिए, इसलिए वो लेने नहीं गए, और न लेने के नाते न लेने की आदत आ गई, लोग समझे कि कुछ नहीं है। 31 अगस्त 1952 को पार्लियामेंट में एक बहस हुआ और उसमें 7 सांसद हमारे चंद्रिका राम निषाद की अगुवाई में पश्चिम बंगाल से जीत के आए थे, और उन लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को विवश कर दिया, पार्लियामेंट में निकलने नहीं दिया, कहा कि ये देश को आजाद कराने वाली जो जातियां हैं इनके ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित है, जेलों में बंद है, और हम यहाँ पार्लियामेंट में किस लिए आए, उनके वजह से तो संविधान बना, उनके वजह से तो अंग्रेज भागे, उनके वजह से देश आजाद हुआ, आजाद भारत में कानून बनाने का पार्लियामेंट में हक आ गया और संविधान बन गया, इसलिए पहले उन्हें मुक्त किया जाए। 31 अगस्त 1952 को उस क्रिमिनल कास्ट को हटाकर डीनोटिफिकेट किया गया उस क्रिमिनल एक्ट को, जो CTA कानून था कि भाई अपराधी ये जातियां अपराधी हैं, अब कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, कर्म से अपराधी होता, देश को आजाद कराने वाला अपराधी थोड़ी होता है, तो इसलिए अपराधी जाति का वो लेवल हट गया, इन्हें डीनोटिफाइड ट्राइब्स की बात की गई कि ये जातियां ट्राइबल हो गई हैं, उजड़ गई हैं और इनके सारे सो साधन हैं, रोटी कपड़ा और मकान ये हट गया, तो इनको एक्ट अंथा साइमन एंगर कमेटी एक रिपोर्ट दी थी और जिन्होंने पटेल साहब ने अपने उसके अगुवाई में किया था, उसका नाम है अंथा साइमन एंगर कमेटी 1949-50, उसके रिपोर्ट के आधार पर 31 अगस्त 1952 को वो एक्ट हटा और इनके कहा गया कि इनको 75% 74 टाइप्स के व्यवस्था और रिजर्वेशन, इनकी दशा उस कमेटी में लिखा है कि जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां उनकी दशा दलितों और से भी खराब है, इसलिए इनको विशेष प्रकार का ताम्रपत्र दिया जाए, इनकी शिक्षा अलग से रखी जाए, इनका स्वास्थ्य की व्यवस्था, इनकी कॉलोनी दी जाए, इनके लिए एकदम इस देश को आज़ाद कराने वाले व्यवस्था के अनुसार दुनिया के लोग सम्मान के दृष्टि से देखे जाएँ, ये सारी व्यवस्था गवर्नमेंट का काम था, लेकिन कुछ नहीं किया, 14 आयोग बनाते रहे जितने बेईमान गए यहाँ दिल्ली और सारे इनको बर्बाद, जो जो इसको आज़ाद कराने वाला रोड पर है
बल्कि जो दलाली करने वाले लोग हैं उनके हाथों में सत्ता की चाबी मिल गई, जिससे बहुत नुकसान हुआ। तो मैं नौजवानों से आज ये संदेश देने के लिए से आया हूँ कि अब कांसी राम साहब ने तो जो सपना देखा था, चार बार सत्ता में आई बहन जी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था। माननीय मुलायम सिंह ने जो सपना देखा था लोहिया जी का, वो पूरा नहीं हो पाया। दोनों लोग आए, अपने अपने स्तर से किए, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन चाहे जैसे भी हो, दुर्भाग्य से हो, फिर बीजेपी आ गई और फिर वही मंडल को जो कमंडल में डाल दिया था, जो आरक्षण विरोधी पार्टी है उसके खिलाफ जो सामन बात पनपा दिल्ली और यहाँ कि जुमलेबाजी से 15 लाख दे देंगे, सारे लोगों ने वोट दे दिया, हम काला धन ले आएंगे, काला धन ने ला के कर्जा ले आके 3,500 करोड़ की मूर्ति ले आ गए, 125 करोड़ की आबादी में डाला जाए तो 2 करोड़ 40 लाख के आसपास एक गेट पर कर्जा हो गया। तो जो काला धन लाने के नाम पर कर्जा लेके चले आए, 15 लाख के नाम पर जुमलेबाजी हो गई। आज के दिन में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा, तो ऐसी हुकूमत को बदलने के लिए हम अपने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि जो आरक्षण की विसंगति है, बहन जी को कमांडर दलित भाइयों ने मान लिया तो आज वो दलदल से बाहर आ गए, और जब तक बहन जी को कमांडर नहीं माना था तब तक वही लोग नौकरी लेने जाते थे, तो यही सामंतवादी अधिकारी कहते थे, कोई नॉट अवेलेबल लिख देते थे चार्ट में और बैकलॉग पड़ा रहता था। कोई गलती से बेचारा दलित बेटा चला गया तो उसे कहते थे यू आर नॉट सुटेबल फॉर इस सर्विस। तो जैसे उनकी सबक्लाग भी पूरा हो गया, पूरे राष्ट्र केंद्रीय कर्मचारियों में, उत्तर प्रदेश की भी नौकरियों में, मैं बधाई दूंगा माननीय अखिलेश जी को कि उन्होंने अपने समाज को इकट्ठा किया, माननीय मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने भी अपने नेता को कमांडर मान लिया और एक मुश्त वोट इकट्ठा करके, जैसे यादव समाज इकट्ठा हो गया, मुसलमान भी उनके साथ हो गया, पिछड़ी जात भी साथ हो गए, बहन जी आई थी तो उनके साथ भी जातियाँ इकट्ठी हुई, तो एक कमांडर की अगुवाई में उन्होंने सेनापति बनाया, सेनापति बन के कहा कि बूथ लेवल सेक्टर लेवल कमेटी गठित की, सारे सेना का उन्होंने प्रदर्शन कराया और गोरखपुर की एक सीट जो थी गोरखपुर में, उसको टेस्ट के रूप में देखा कि भाई देखो सांप मारना है। तो अगर उससे पहले कहती थी बहन जी कि भाई दूसरी पार्टी को बटन दबाओगे दूसरा तो माननीय कांशीराम और अंबेडकर साहब की आत्मा को कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने निर्देश जारी किया कि ये जो सवर्णवादी मानसिकता, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, इन्हें खत्म करने के लिए ही आज के दिन में बहुजनवाद का विचारधारा, अम्बेडकर वाद का विचारधारा, जो है गांधीवाद, इस विचारधारा को आगे लाने के लिए आप जाओ, साइकिल को हाथी मान लो और बटन दबा दो, इंजीनियर प्रवीण निषाद को अपना बेटा मान लो और उन्हें बटन दबा दो, उससे काम हो जाएगा। और सारे के सारे मैं बधाई दूंगा, बहन जी ने को कमांडर मानते हुए सारे सेनापति लग गए और वहाँ सैनिक बन के सारे लोगों ने 99% वोट जो है उन्होंने हाथी की जगह पर साइकिल बटन दबाकर और उस सांप को मार दिया और अपने को साबित कर दिया कि नहीं, हम माननीय कांशीराम और अम्बेडकर साहब की आत्मा को संतुष्टि मिली। वही समय फिर आ गया है यहाँ, और माननीय अखिलेश जी के सारे सैनिक जो है यादव समाज, जो लेवल लगता था कि यादव निषाद कोर्ट नहीं देता, ये करता वो करता है, ये जितने भी RSS के एजेंट हैं उल्टा पुल्टा तमाम लगाते रहे, ये नहीं है, वो हरा देते हैं वहाँ, लेकिन 100% यादव समाज ने वोट दिया, मुसलमान ने दिया, पिछड़ी जातियों ने दिया, जो भाजपा से विरोध में थे, कम से कम सवर्ण जातियों में से ढेर सारे लोगों ने वोट दिया, सभी लोगों ने परिवर्तन की लहर के रूप में गोरखपुर और फूलपुर कैराना नूरपुर दिखाया और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और सब भी दिखाया। तो मैं इस चीज़ को यहाँ कोट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने वोट की गिनती कराई, जो आज के दिन में इस गठबंधन के रूप में यहाँ आपके सामने प्रदर्शित हो रहा। आज फिर वही समय आ गया है कि दलित भाई, यादव भाइयों को भी, पिछड़े और जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, इनकी आ गया कि अब इस गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, चाहे निषाद पार्टी का हो, और चाहे किसी और भी जो हमारे गठबंधन में शामिल दल होगा, उस प्रत्याशी को नहीं बल्कि वो गठबंधन का सिंबल होगा, उसे दबाने से हमारे सभी पिछले महापुरुषों की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। मैं यहाँ इस विद्वान, ये तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं, डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी चले गए तो ये चले गए वो चले गए, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस सारी पार्टियों के लोग हमसे 2018 से पहले बात की,
कांग्रेस के लोग भी बात करते थे, भाजपा के लोग भी बात करते थे, सारे पार्टी के नेता ये कहते थे कि क्यों बनाए हो, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, विलय कर जाओ। कांग्रेस के लोग भी कहते थे विलय कर जाओ, भाजपा के लोग भी कहते थे विलय कर जाओ, ये जाति की पार्टी नहीं चलती, ये करते हो करते हो, ये ले लो, वो लालच दे दो, वो तमाम लालच देते रहे। लेकिन मैं अखिलेश जी को बधाई दूंगा कि 2017 में भले हम अलग चुनाव लड़े थे, जब चाहे पर 3-2 महीने बाद हम लोग मिले, लेकिन एक बार भी माननीय अखिलेश जी ने नहीं कहा कि डॉक्टर संजय अपने तुम पार्टी को विलय करो, बल्कि हमारे सामने अपने मंत्रियों को, अपने उन प्रभारियों को कहा कि डॉक्टर साहब को अपने क्षेत्र में निषाद पार्टी का टोपी और झंडा अगर कम पड़े तो अपने तरफ से मदद कर देना, कि कहीं ऐसा ना कि भाजपा वाले ये कहें कि डॉक्टर साहब को ले गए और जो है इनका पार्टी का नुकसान करा दिया। तो मैं उन्हें बधाई दूंगा कि कभी वो पार्टी को विलय और पार्टी को नष्ट करने के लिए कभी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि गोरखपुर का एक मैसेज ऐसा था कि लोगों को पता नहीं है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उसकी पोस्टिंग सरकार करती है, इसलिए उसके इशारे पर चुनाव आयोग नाचता है। इतना ज्यादा परिवर्तन कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि एक सामान्य आदमी को चुनाव लड़ना कठिन हो गया, क्योंकि कितना नियम उसमें जटिल हो गया कि पैसा न हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, सिंबल नहीं हो तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, अगर निर्दल है तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, तो दलगत राजनीति हो गई उस चुनाव आयोग के नियम के अनुसार। तो नियम है कि आप 11% वोट पाओगे तो आपका कोई चुनाव चिन्ह फिक्स होगा, या आप 11 विधायक जिता लो, MP जिता लो 7, तो आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाएगा। और पहले भी चुनाव बहुजन समाज पार्टी शेर चुनाव चिन्ह से लड़ी है, समाजवादी पार्टी दूसरे, और सभी लोग दूसरे चुनाव चिन्ह से लड़ते हैं, जब उनको वोट अधिक मिल जाता तो चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाता है। मैं पहला चुनाव 2017 में भोजन भरी थाली से लड़ा, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि अगर वोट मिल जाएगा 11% तो आपका चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाएगा। तो वोट मिला हमें 4.4%, तो कैसे चुनाव चिन्ह फिक्स होगा, तो ये तो जनता जानती नहीं है। उर्दू पढ़ने वाला अंग्रेजी का पर्चा जांच रहा जैसे गांव में बैठे हुए, राजनीति का कोई पढ़ाई पहाड़ा है नहीं, हमारे नेता भी बेचारे आरक्षण के बारे में नहीं जानते हैं, बंटवारे के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये नहीं जानते हैं कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का मामला है, न कि खाने का मामला, मलाई या चाय पीने का मामला नहीं है, प्रतिनिधित्व रहेगा तो निश्चित रूप से वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो चुनाव चिन्ह फिक्स न होने की वजह से अगर हम उपचुनाव लड़ते हैं तो उपचुनाव में पर्चा दाखिल होने के बाद तब चुनाव चिन्ह मिलता और हमें 4-5 दिन 10 दिन जो है चुनाव प्रचार के लिए रहते। दूसरी बात, हम अगर अपने चुनाव चिन्ह से गोरखपुर में चुनाव लड़ते तो केवल एक हमारे कम्युनिटी के लोग हमें वोट देते, दूसरे लोगों को उतनी उत्सुकता से वोट नहीं मिलते। जिसके वोट की गिनती हो चुकी हो उस बैंक को हम हटा दें और हमारे वोट की गिनती नहीं हो पाई थी, हम 1,00,000 वोट पाए थे गोरखपुर में, लगभग 3 विधानसभा लड़े थे, 4 विधानसभा, तो उस 1,00,000 से तो हम जीत नहीं सकते थे, बहुत होता तो 2,00,000 हो पाए तो 3,00,000 हो जाता, तो ऐसे तो नहीं हो पाता ना, तो फिर हम लोग चुनाव हार जाते। तो इसलिए रणनीति कोई भी नीति जो है, कोई भी युद्ध जो है युद्ध के नियम से लड़ा जाता है। रण मतलब होता है युद्ध और नीति मतलब होता है पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी बनाओ जिसे युद्ध जीता जा सकते हैं। तो चुनाव भी रणनीति से जीता जाता है, तो रणनीति से हम लोगों ने चुनाव जीता और उस रणनीति में आया कि अगर सिंपल साइकिल का होगा और कैंडिडेट जो है निषाद पार्टी का होगा और बहुजन समाज पार्टी से भी समर्थन लिया जाए तो किसी एक अपीस पार्टी साथ में, तो किसी एक पार्टी का तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जैसे अभी गठबंधन हुआ सपा और बसपा और निषाद पार्टी अभी समाजवादी पार्टी के खाते में, उसी समय अखिलेश जी ने कहा था कि इसको आप जीतो किसी तरीके से। मैं उम्मीद, हम वादा करते हैं कि हम गठबंधन जब भी होगा तो हम आपको अगर 2019 और 2022 साथ में चुनाव लड़ना है, लेकिन बीच में हुआ कि नहीं, वहाँ बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही थी और दलित वोटों के बिखराव की व्यवस्था उम्मीद थी और भाजपा तरह तरह का प्रपंच रच रहे थे, तो उस समय बहन जी के साथ उन्होंने समर्थन मांगा और बहन जी ने समर्थन भी दिया, और मैं बधाई देता हूँ कि उस समर्थन से बहुत बड़ी राजनीति में परिवर्तन हुआ और एक रिजल्ट आया
तो उस समय तो जब अखिलेश जी से वार्ता हुई तो 80 सीटें थी, हम जब गए थे उनके साथ, आज वो आधा कम हो गया, तो आधे में हम लोग रहेंगे। और अखिलेश जी ने कहा था कि आपको 2019 में हम अपने सिंबल, आपको अपने सिंबल से अपने कुछ कैंडिडेटों को चुनाव लड़के कहाँ से जीतना होगा उसे तय कर लीजिए, और आपको अपने सिंबल से अपने सीमा से करना है। तो आज भी हमें उम्मीद है, माननीय अखिलेश जी से वार्ता हो चुकी है कि उन्होंने कहा था भाई पहले बहन जी से हमारी वार्ता हो जाए, उसके बाद तब हम आपस में बैठ के हम लोग शेयर करेंगे। और उन्होंने मैसेज भी दिया था कि डॉक्टर साहब परेशान ना, हम अपने शेयर में से उन्हें सीट दे देंगे। अब यहाँ परिवर्तन की जरूरत है, सांप मारने की जरूरत है कि पंचायत करने की जरूरत है। फेसबुक पर सब लोग कहते हैं इतनी सीट मिलनी चाहिए, इतना ये मिलना चाहिए आज के दिन में, और उतना मिलना चाहिए आज के दिन में। समाजवादी पार्टी 2017 में चुनाव लड़ी, 5 सीट जीती 2014 में। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, 0 सीट जीते हुए हैं। किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेक्षित हैं, किस तरीके से मुद्दे को उसने भटका दिया कि अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, उनका हिस्सा दिलाने के लिए गए थे, उन्हें ओबीसी में उलझा दिया, और मझवार का सर्टिफिकेट बनाने के लिए और पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का सुविधा देने के लिए शासनादेश 21/12/2016 का आज पड़ा हुआ है, और उसको नेट पर भी डाल दिया, क्रमिक मंत्रालय में डाल दिया, और पिछड़ी जातियों से केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ जितना है राजभर भर जो है प्रजापति सबको निकाल दिया, नई सूची भी ओबीसी की बना दिया, और फिर वो कोर्ट में स्टे हो गया, इस नाते स्टे हो गया था कि लोग प्रतिनिधित्व के नाते कि ये गड़बड़ हो जाएगा, चुनाव जल्दी है तो मार्च में चुनाव था इसलिए स्टे हो गया। और जैसे चुनाव खत्म हो गया 29 मार्च 2017 को स्टे खत्म हो गया, बल्कि कोर्ट ने कहा कि नहीं ये जो शासनादेश है आईजीटी जाएगा और बनाओ और जो बनेगा हमारे अधीन होगा। तो कोर्ट ने तो एक लाइन आगे बढ़ के आर्डर पास कर दिया कि नहीं शासनादेश बनाओ, तो जो अनुसूचित जाति में है उनका सर्टिफिकेट बनना चाहिए, हाईकोर्ट के आर्डर के अनुसार बनना चाहिए, शासनादेश के अनुसार बनना चाहिए। जब ओबीसी की लिस्ट चेंज हो गई तो अब तो नया ओबीसी के अनुसार होना चाहिए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही, नहीं पिछड़े में बंटवारा होना चाहिए, ये होना चाहिए होना चाहिए, तो पिछड़े में जो रहे उनका बंटवारा होना चाहिए ना, जो पिछड़े से निकाल दिए गए उनका कौन सा बंटवारा होना चाहिए। और नहीं योगी जी इतना झूठ बोलते कि पिछड़ों का सम्मेलन करते हैं उसमें कहते हैं मुलायम नहीं होने दे रहा है, मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ, अब मुकदमा डॉक्टर संजय लड़ रहे हैं, और हम लोग इंटरवेन है उसमें, कई पार्टियां इंटरवेन है, कि आज 1.5 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी का वकील खड़ा नहीं होता, भाग रहा, क्योंकि सेंसस अमेंडमेंट 1961 हमने उसमें नकल दाखिल कर दिया, और राष्ट्रपति ने लिख के 1961 में दे दिया कि उत्तराधकना मोची अहिरवार गहरवार चमार भाई की उपजातियाँ हैं, और रजक बैठा कन्नौजिया धोबी की उपजातियाँ हैं, और केवट मल्ला जो है उनकी जो है मझवार की उपजातियाँ हैं, और धीमर कश्यप जो है कहाँ जो है ये तुरह की उपजातियाँ गौंड की उपजातियाँ, तो ये ढेर सारी उसमें जो है तेली बढ़ई लोहार नाई ये जो है सरकार की पर्यायवाची जातियाँ हैं, इन्हें अनुसूचित जाति की गिनती कर लो, अनुसूचित जाति की सूची है पर्यायवाची, पर्याय मतलब तो वही हुआ, तो ये चीज़ें उसमें लिख कर दे रखा, वो नकल हमने हाईकोर्ट में रखी तब हमारी। तो हम आज के दिन में ये जानना चाहते हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी वकालत करती रहे, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह ने एक बार दिया भी था और किसी कारण बस वो रुक गया, हम उस पचड़े में नहीं जाना चाहते। लेकिन माननीय अखिलेश जी ने 21/12/2016 को इन जातियों के लिए शासनादेश दिया जो हाईकोर्ट ने कोर्ट में लंबित था, और स्टे खत्म हो गया और आईजीटी हो गया, तो आज बनना चाहिए सारे डीएम के यहाँ पड़ा हुआ है। अगर डीएम के यहाँ शासनादेश पड़ा हुआ तो मेरा मानना है कि मोदी योगी बीच में खड़ा हुआ है, और उसे जब तक हटाया नहीं जाएगा बनेगा नहीं, क्योंकि पहले हमें सपा बसपा भाजपा हमारा साथ नहीं देती थी आरक्षण के मुद्दे पर। माननीय विशंभर निषाद ने जब वहाँ सदन में आवाज़ उठाई थी आज के 2 साल पहले, लेकिन इस निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आम दल के आने के बाद और एक जय निषाद राज के नारे का देन रहा कि इंजीनियर प्रवीण निषाद जीते, और वहाँ जैसे आवाज़ उठाया और माननीय विशंभर जी ने जब सदन में आवाज़ उठाई तो सपा भी मेरे साथ आ गई, बसपा भी हमारे साथ में रही, और कांग्रेस के भी ध्रुवजय सिंह ने 45 लगभग आधे घंटे के आसपास स्पीच दे के, तो 3 पार्टियां हमारे आरक्षण के मुद्दे को विसंगति दूर करने के साथ हैं। अब केवल भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण के विरोध में वोट डाली,
तो हम तो अपने समाज और इन वंचितों के विरोधी पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी मानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, क्योंकि समाज को देने के लिए कोई भी निर्णय पार्टी इसलिए बनती है, किसी उद्देश्य के लिए बनती है, चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है, समाज का हित रक्षा होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, इसलिए हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान भी गया और वहाँ हारी भी, और मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मैंने मुकेश भाई से मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने मेरी सलाह माना और अभी आज के दिन में एंटी भाजपा के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी को वादा निभाना चाहिए, क्योंकि योगी जी ने भी कहा था, सदन में बोला था कि निषाद अनुसूचित जात के हकदार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इनका बनता है, जब मैं 7 जून 2015 को एक रेल आंदोलन हुआ था उसमें भी बोला था, प्रभुपुर रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए, अगर आरक्षण देते हैं तो योगी बिल्कुल के नहीं देते हैं तो किसी और कुल के, तो आरक्षण के मुद्दे पर हम इस गठबंधन के साथ हैं, और माननीय अखिलेश जी ने अपने कोटे से निषाद पार्टी के सिंबल से लड़ाई कुछ है, और चूंकि पेपर भाजपा का है, सारे पेपर मीडिया सब भाजपा के हैं, वो कुछ भी लिखते रहे कि निषाद पार्टी उनके सिंबल पर, पेपर तो कह रहा सब अच्छा अच्छा है, तो काहे लोग दर्द में है, तो इसलिए पेपर पर न जाएं बल्कि बातों पर विश्वास करें, बहन जी के लोग उनके ऊपर पूरा विश्वास किए हैं, माननीय अखिलेश जी के ऊपर विश्वास किया, तो मैं यही उम्मीद रखता हूं कि अपने खून को मानते हुए राष्ट्र संघ के ऊपर आप लोग विश्वास करें, धैर्य करें, कभी भी आपके साथ कुछ भी नहीं होने पाएगा, चूंकि आप जब तक लीडरशिप नहीं थी तब तक कुछ भी था, मैं मानता हूं कि सत्ता की चाबी जैसे वो हाथी और साइकिल आई उसी तरीके से निषाद पार्टी आई है, और गठबंधन के साथ जैसे 1992 में यादव समाज ने बहुजन समाज पार्टी का पूरा सपोर्ट किया, बहुजन समाज पार्टी ने यादव समाज के साथ मिल कंधे से कंधे मिलके लड़ाई लड़ा था, तो मैं चाहता हूँ इस समय हम लोग भी साथ में, तो वो हमें वोट देंगे, हम भी उन्हें वोट देना चाहिए, अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी, और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, सीटें ज़्यादा लेके हम ज़्यादा लेके हार जाएं और कम लेके जीत के हम वकालत करें, दो ही सीट लेकर बहन जी गई है अभी मध्य प्रदेश में, पूरे तीनों राज्यों में दलितों पर सारे मुकदमे वापस करा लिया, तो हम सीटों का महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार जब काम होगा तो हम चाहते हैं कि भाजपा हारे और एक नई जो मजबूर सरकार बने दिल्ली में, जिससे मजदूर और मजदूरों का काम हो, और हम एक गठबंधन के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि हम 85% इस देश के मूल वासियों के लिए हम उनके हक हिस्से दिलाने के लिए बात किए हैं, तो इसलिए इस मूल वासी पार्टी के साथ रहकर हम उनके हक हिस्से दिलाना चाहिए, क्योंकि सामंतवाद अभी मध्य प्रदेश में गया था, इतना बड़ा सामंतवाद था कि लोग मंच पर नहीं डर के मारे आ रहे, घर छोड़कर भाग गए, पार्टी चुनाव लड़ना की बात छोड़ दीजिए, तो जहां इतना सामंतवाद, मैं तो बधाई दूंगा माननीय मुलायम सिंह और माननीय स्वर्गीय कांसी राम साहब को कि इन लोगों ने कितनी बड़ी पेन लिया होगा, कितना दर्द लिया होगा सामंतवाद को खत्म करने के लिए, अगर हम लोग गलती कर देंगे, 31% वोट भाजपा पाई थी 2014 में, हमारे लड़ जाने से 2017 में भाजपा 41% वोट पाई, फिर अगर हम अलग से लड़ जाएं तो 50% लड़, तो कुछ मूर्ख लोग हैं कहते हैं डॉक्टर साहब को अलग लड़ना चाहिए, तो अलग लड़ने से आपका कितना फायदा होगा आप खुद जान लो, और साथ लड़ने से अगर साथ हैं, इंजीनियर प्रवीण साहब भले साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़े, काम निषाद पार्टी के कार्यालय करते हैं, निषाद समाज के सुबह से लेकर 90% तक तो हमारे लोग ही आते हैं, उनको लगता है कि 10% में दूसरे लोग आते होंगे, अगर वो आज सांसद नहीं होते तो कौन उनका दर्द सुनता, कौन आज के दिन में पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता, कौन जो है आज के दिन में गाजीपुर की घटना देख लीजिए कि पुलिस गिर के मारा और पुलिस कहता है कि नहीं पीट पीट के मारा गया, और वहाँ एसपी कहता है कि नहीं हमने पूरा निरीक्षण किया, शरीर में कोई चोट की नहीं, हमारा तो रिपोर्ट बचा रहा था, जो है वहाँ जो एकलव्य महाराज बचाया, देश का रिपोर्टर ने बचाया, खटखटाया, डर के मारे ले नहीं गया, समय पे ले गया तो जान बच जाता, एक जीप पे वहाँ से तो जिंदा गया था, मारा कौन कैसे मारा, वहाँ डॉक्टर कहता उसे सिंपल एब्रेशन है, मतलब खरोंच आया है, डॉक्टर रिपोर्ट है, इसके मतलब डॉक्टर रिपोर्ट में अगर आई है, पीट पीट मारने के बाद बदनाम किया जाता निषाद पार्टी को, उसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जितने भी पुलिस दोषी हैं उसमें, अभी उस दिन जैसे माननीय इंजीनियर प्रवीण साथ गए थे और पता चला कि वहीं पुलिस जब गई थी सुरक्षा में तो औरतें गाली दे रही थी कि यही 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 पुलिस वाला है जो रात में आके हम लोगों को मध्य मध्य गाली देता था, टीवी थोड़ा बच्चों को मारा, बच्चे वाले बंदे हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को उठा बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, जाति के नाम पर जाति हो
होना तो ये तो अंग्रेजों की क्रूरता से बड़ा है। तो जाति के नाम पर अगर जाति की है बीजेपी ने, तो ये जातियां अब जाग गई हैं बीजेपी को उसका बदला लेने के लिए पूरे प्रदेश में खड़ा हुई हैं। और हम उम्मीद है कि गठबंधन के साथ हम लोग दो चार दिन में हम एक स्थिति साफ हो जाएगी। हम लोग बैठने वाले हैं माननीय अटली जी के साथ, और आपको जितना भी सम्मानजनक आपके साथ सम्मान दिया है, तो आगे भी उम्मीद है कि जो जो कहा था अटली जी ने 2018 में जो वादा किया था, उस वादे के मुताबिक हम लोग चुनाव लड़े जीते, फिर उस वादे के मुताबिक हम लोग 2019 में चुनाव लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। पहली बार चुनाव लड़ा, आपका एक विधायक आपका आया, विजय मिश्रा जी आए भले जीत के, लेकिन सिंबल तो आपका आया, निषाद पार्टी आई और विजय मिश्रा पैसा पाए, इधर उधर हो गए। तो हम ऐसा नहीं चाहते कि दूसरा कोई विजय मिश्रा आवे, हम उसे लड़ावे और फिर इधर उधर चला जाए भाजपा। तो भाजपा चाहती ज़्यादा सीटें ले लें और फिर उसे बाद में हम खरीद लें सामंत बात। तो इस तरीके से नहीं, हम तो चाहते हैं कि जिस निषाद को लड़ना हो मेरे साथ आवे, हम और माननीय अखिलेश जी बहन जी से वार्ता करेंगे, उन निषादों को लड़ाने का भी प्रयास किया जाएगा। जहां हम जीताऊ होंगे, जहां जीतने लायक होंगे, हम चाहते हैं कि हमारा समाज मजबूत हो, खुद लड़के अपना प्रतिनिधित्व करें और इस लफड़े में नहीं पड़ना हम लोगों को। और निषाद पार्टी का पहली बार में अगर एक सीट जीते हैं तो दोबारा भी हम कई सीट जीत कर हम लोग दिल्ली में निषाद पार्टी जाएंगे और उस जनता की अदालत में जाकर हम लोग आएंगे। और अपनी अब इस चाबी को एक बार धोखे से मोदी योगी को दे दिया था, अब इस उस लाकर की चाबी को अब गठबंधन में रखो और जहां निषाद पार्टी भी साथ में हो और पार्टियां साथ में हैं, अब कभी कुछ नहीं होगा। अब 85% लोगों का पूरा हक मिलेगा और पूरा न्याय होगा, रोजगार के साधन होंगे, स्वास्थ्य भी होगा, शिक्षा भी होगा, सब होगा। कैसे होगा उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है और कांशीराम साहब के पूरे प्रदेश को पूरा